फिरोजाबाद पार्टी कार्यकर्ता के यहां शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं कद्दावर नेता शिवपाल यादव। मीडिया से हुए रूबरू बातचीत। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर की बात। 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। फिरोजाबाद से अक्षय यादव को हमने अपना प्रत्याशी बनाया है। हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और फिरोजाबाद की सीट जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सपा के बड़े नेता शिवपाल यादव जी फिरोजाबाद पहुंचे हैं। सर, पांच राज्यों में चुनाव हैं, क्या देखते हैं और समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या क्या रहेगी? देखिए, जो पांच प्रदेशों में चुनाव हुए हैं उसमें रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हारेगी, ये हम जानते हैं। 2024 को लेकर तैयारियां हैं, जैसे बार बार आप मन से भी कहते हैं कि सपा पूरी तैयारी में है, तो क्या तैयारियां हैं और क्या मानते हैं 24 में हम कितनी सीट यूपी से जीतेंगे? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। वैसे तो जो इंडिया गठबंधन है, हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में 2024 में कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। भाजपा कह रही है राम के बाद हम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, का आज पीएम पहुंचे हैं मथुरा, यहाँ वृंदावन और मथुरा कॉरिडोर बनेगा, क्या मानते हैं बेहतर होगा या कुछ दिक्कतें जो वहाँ के जो दुकानदार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं? देखिए, भगवान राम को हम सब लोग मानते हैं, कृष्ण को हम सब लोग मानते हैं, रामचंद्र से लेकर के सबको हम मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति और धर्म के साथ साथ हिंदू मुस्लिम यही करना चाहती है। सर, एक अंतिम सवाल, पिछली बार आप यहाँ से चुनाव लड़े, इस बार जो आपने प्रत्याशी अक्षय यादव जी को घोषित किया है, क्या इस बार जीत का आंकड़ा मानते हैं और आप किस तरह जनता से अपील करेंगे चुनाव के दौरान? देखिए, हमने अभी जो हमारा शिविर लगा था समाजवादी पार्टी का, उसमें घोषणा भी कर दी है, अच्छे यहाँ से प्रत्याशी होंगे और पूरी समाजवादी पार्टी और हम सहित बहुत जल्दी कार्यक्रम लगाएंगे और पूरी तरह से अच्छे को जिताएंगे और अच्छे जीतेंगे। धन्यवाद सर।